हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य डिफेंस करियर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो पर हाउ टू बिकम ए मार्कोस कमांडो आफ्टर ज्वाइनिंग इंडियन नेवी। जी हाँ दोस्तों, आप इंडियन नेवी में एजेंट सेलर यानी डबल SSR MR एंट्री के थ्रू आप कैसे मार्कोस कमांडो बन पाएंगे, हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्कोस कमांडो यानी मैरिन कमांडो इंडिया का सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट होता है। दोस्तों, मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी का एक स्पेशल फोर्स यूनिट होता है। दोस्तों, मार्कोस कमांडो ज्वाइन होने के लिए आपको पहले इंडियन नेवी में एजेंट ऑफिसर या फिर एजेंट सेलर एंट्री के थ्रू आपको इंडियन नेवी में ज्वाइन करना पड़ेगा। दोस्तों, और ज्वाइन करने के बाद आपको 2 साल सर्विस देना पड़ेगा इंडियन नेवी को, उसके बाद ही आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप मार्कोस कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हर साल इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो की वैकेंसी रिलीज करता है। दोस्तों, और इंडियन नेवी का सेलर एंड ऑफिसर ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, और मार्कोस कमांडो बनना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि मार्कोस कमांडो के लिए काफ़ी सारे फिजिकली मेंटली फिट होना पड़ेगा। दोस्तों, और लगभग हर साल 1000 करीबी नेवल पर्सनल मार्कोस कमांडो के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ 25 to 50 कैंडिडेट ही मार्कोस कमांडो बन पा रहे हैं। दोस्तों, तो काफ़ी सारे आपको ट्रेनिंग किया जाता है दोस्तों मार्कोस कमांडो बनने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो पर इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मार्कोस कमांडो बनना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इंडियन नेवी में एजेंट ऑफिसर या फिर एजेंट सेलर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मार्कोस कमांडो बन पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो पर इतना ही। अभी रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।